जय माता दी, राम राम सीता राम। देखो ये बारिश, एक मंथ और 6-7 दिन से हमारी को बारिश हो रही है। बहुत जगह पे बारिश की है, कहने का हमारी शायद ये बारिश हो रही है। पूरा एरिया में बारिश ही हो रही है, क्या ना हमारी साइड पूरा एरिया में बारिश है। बहुत जगह पे बारिश नहीं है, बहुत जगह पे बारिश नहीं है। देखो इतनी बारिश हो रही है, इधर गांव का गांव डुबा दिया था और अभी भी चालू ही है। रुकती है कभी घंटा दो घंटा, वो भी पूरी तो नहीं रुकती, चालू ही रहती है। देखो ये सिंह का हाल, बुरा हाल है सब किसानों का। एक मंथ और 6-7 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब भी देखते हैं ये बादल छाया हुआ, ये बादल छाया हुआ, ये 3 साल से ऐसी बारिश हो रही है। ये खेत में पानी चलता रहता है पूरा, इधर उधर न गए, परेशान करके रखा है सब किसानों का। क्या ना कि हमारी साइड इतनी बारिश हो रही है। देखो ये सब गईयाँ इधर खड़ी है, वो तो अंदर है खाना खाने के लिए, लेकिन बारिश बहुत हो रही है। इधर देखो, जहाँ देखोगे वहाँ पानी पानी दिखाई देगा, क्योंकि हर किसान हर नेता सब क्या ना कि सब गलत है, कोई कोई सही होगा, बाकी तो पूरा सही है ही नहीं। इसीलिए इतनी बारिश हो रही है, क्योंकि हमारे साइड गांव का गांव डूबा दिया है पानी में, जो है ना गांव का गांव भी डूबा दिया है पानी में। देखो ये मैं बारिश में ही चला जा रहा हूँ, यहाँ आप देखेंगे वहाँ बारिश ही है, जो है ना कि जहाँ देखेंगे वहाँ बारिश ही है। ये तो आईफोन है एप्पल का, इसीलिए ये बारिश में चल रहा है, यह ना कि ये चल रहा है। देखो इतनी बारिश हो रही है कि गाय घोड़ा पहलू किसान सबको परेशान करके रखा, ना सबको परेशान करके रखा। मैं यहाँ पहुँचा ना तो देखो ये भीग गया है पूरा, खाली ये 300 फुट की दूरी पे आया है तो भीग गया है, ना भीग गया है। इधर हमारी लक्ष्मी माता और इसकी बच्ची खड़ी है, इतनी गाय और घोड़ा को परेशान करके रखा है। नीचे लाइटस्टोन पत्थर आता है वो डाल के ऐसा रखा है, क्या ना ऐसा रखा है, लेकिन तो भी ये गोबर और पेशाब वहाँ ही करते हैं, पेशाब तो परेशान कर देते हैं, तो ऐसा हाल है किसान का। देखो ये मशीन भी वापस चालू हो गया मक्खी मारने के लिए, और इतनी बारिश तेज हो रही है अभी तो, हमारे इधर जो मोरबी साइड है वहाँ 2-3 हमारे फ्रेंड है, तो उसका फ़ोन आया था कि राम भाई हम तो खेत में पानी लगा रहा है, किसान है वो भी। देखो ये सिंगू का हल, एक मंथ से इसमें वो तो बेलो जिसके पास था उसने खेत में साथी चलाया है, बाकी नहीं चला। देखो पानी पानी दिखाई देता है, जहाँ आप देखेंगे वहाँ पानी दिखाई देता है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, वो बताते हैं कि जैसी प्रजा और जैसा राजा ऐसा ही मैं करता हूँ काम। तो हमारी साइड बारिश हो के मार रहा है सबको, हरा डुकार पड़ रहा है और दूसरी जगह पे सूखा पड़ रहा है। हमारे इधर सरड़वा गांव है, वहाँ हमारे एक वासुर भाई है, तो वो बोल रहा है कि राम भाई हम सिंह में पानी लगा रहा है। देखो हमारे इधर इतनी बारिश हो रही है कि पागल कर देगा आपको, ये 3 साल से ऐसा ही है, ये लगातार चालू रहेगी, क्योंकि अपने को ये कोई काम धर्मादा करना ही नहीं है, किसान को भी नहीं करना है, और कोई संसद सभ्य धारा सभ्य वो भी राजा बोलते हैं मुख्यमंत्री को भी, आप बड़ा प्रधान को, तो वो भी कोई काम नहीं कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा है, सब गलत कर रहा है खाने के लिए। और कल हमारे इधर गुरु पूर्णिमा थी,
बहुत लोग कोई कोई जगह पे तो 10-10 लाख इकट्ठा आदमी होता है, लेडीज और जेंट्स सब गुरु के लिए। साले ये गुरु गधे जैसे होते हैं। गुरु आपने देखा है कि उत्तराखंड में 122 आदमी को मार दिया, वो गुरु गुरु होता है ऐसा? साले कपटी आदमी होता है। क्या नहीं कहता, अभी तो जिसके पास पैसा होता है ना वही गुरु होता है। जितना ज़्यादा प्रसार करता है, जितना ज़्यादा झूठ बोलता है ना वही गुरु होता है। तो देखो बारी, हमारे पहले ऐसा गुरु ऐसा बोलते थे, ये ना गुरु तो इसको बोलना चाहिए। तो पहला गुरु, 5 गुरु होता है, उसमें से पहला गुरु तो क्या ना, प्रथम गुरु तो माता जी होती है, जो अपने जन्म देने वाली जो होती है माता जी, वो तो माँ गुरु जी होती है। तो दूसरा गुरु होता है ये धरती माँ, क्या ना हमारे इधर हमारी माता जी बोलता था। और तो दूसरा गुरु होती है ये धरती माँ, जिसको खून के 100 साल तक लगा खाना अनाज पैदा करके खाते हो, और उसको इतनी गीली माटी में आप किसड़ेंगे, बारिश में किसड़ेंगे तो भी आपको ये खाना देगी, ये धरती माता वो गुरु है। तो उसका भी कोई ख्याल नहीं रखता, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर चला के धरती माता का सत्यानाश करते हैं, खुद का भी किसान सत्यानाश करते हैं, और दवाई खाद किसी को बैल रखना नहीं है, बैलों को खाना नहीं खिलाना है, तो इसीलिए ये बारिश हो रही है। और दूसरा तीसरा गुरु होता है ये हमें तीसरा गुरु होता है पिताजी, कि जो जिसने आपको चलने के सिखाया है, क्या ना कि चलने के लिए सिखाया है, वो तीसरा गुरु है। और चौथा गुरु होता है जो शिक्षक होता है ना, वो गुरु होता है, वो चौथा गुरु होता है। और पांचवा गुरु होता है जेमने पास आपने कृपा अंत गुरुओना आशीर्वाद समर्थन अपना जीवन पर रहता है, वो गुरु बिना गति नहीं है। लेकिन वो पहला गुरु तो माता जी होती है। तो इसीलिए सब किसान का ऐसा हाल चल रहा है। देखो हमारे राम लखन खड़े हैं इधर, इसको गादला डाला हुआ है, इसको सर्विस करना है तो सर्विस भी नहीं हो रहा है दोनों, यही तकलीफ है। देखो इतनी बारिश हो रही है, क्या इतनी बारिश हो रही है कि अब पूछो ही बात मत, क्या को पूछो ही बात मत, इतनी बारिश हो रही है। जैसा इतना घना बादल है तो बहुत बादल घना हुआ। हमारे इधर ये जो आसाराम था वो बोलते थे गुरु था, कितनी लड़की का रैप किया था, बहुत लड़कियों का रैप किया था, और उसका बच्चा भी, और अब कोई राम रहीम था वो भी। इस पागल आदमी को सब गुरु मानते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इतनी बारिश हो रही है, जहाँ बारिश नहीं है वहाँ सूखा पड़ रहा है, हमारे गुजरात में ऐसा है, दूसरी जगह ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई किसान को काम नहीं करना, प्रजा को भी नहीं करना, किसी को कोई को खेती नहीं करना है, गाय नहीं पालना है, गाय का काम नहीं करना, बैलों का नहीं करना, और घोड़े का नहीं करना, जो पहले आध्यात्मिक गुरु था वो शिक्षा देते थे और सब यही करते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं करना। तो ये बारिश यही काम करेगी, जहाँ बारिश होगी वहाँ हरा डुकार पड़ेगा, जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ सूखा पड़ेगा। तो वही प्रॉब्लम है सबकी भाई साहब, ऐसा है भाई साहब, क्या ना ऐसा है। इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ये थोड़ा कम पाप होगा। जो कोई रखेगा बैलों और ट्रैक्टर चला के सत्यानाश खुद का भी करते हैं, दूसरे को भी करते हैं। देखो जहाँ देखेगा आप वहाँ पानी पानी है, कितनी बारिश हो रही है हमारी से। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ ज़्यादा हो रही है, जहाँ नहीं है वहाँ कुछ नहीं होता। तो ऐसा है भाई साहब, हमारे राम लखन इधर एक आराम फर रहा है, फरमा रहा है, एक खड़ा, दोनों जुड़वा भाई है, और उसको सर्विस करना है तो वो भी मौका नहीं मिलता, बारिश नहीं देगी। तो ऐसा है भाई साहब, जय माता जी।